दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 7 दिन की अंतरिम जमानत के लिए राउस एवेन्यू कोर्ट में एप्लीकेशन डाली। 7 दिन की अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों मांगी? उन्होंने 7 दिन की जमानत मांगी हेल्थ चेकअप्स करवाने के लिए, मेडिकल चेकअप्स करवाने के लिए, क्योंकि जिस दौरान अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, उनका वजन 6 से 7 किलो घट गया। ऐसा सडन और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस कई गंभीर बीमारियों का द्योतक माना जाता है। ना सिर्फ इतना, उनका कीटोन लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ, उनका शुगर लेवल लगातार ऊंचा चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने मैक्स के डॉक्टर्स से जांच करवाई, मैक्स के डॉक्टर्स ने उनको कई टेस्ट्स प्रिस्क्राइब किए। ना सिर्फ टेस्ट प्रिस्क्राइब किए, टेस्ट का एक सीक्वेंस प्रिस्क्राइब किया कि पहले आपको कुछ ब्लड टेस्ट करवाने होंगे, फिर कुछ कार्डियक टेस्ट करवाने होंगे, उसके बाद पूरे शरीर का पेट सीटी स्कैन करवाना होगा। क्यों अरविंद केजरीवाल जी को डॉक्टर्स ने इतने सारे टेस्ट प्रिस्क्राइब किए? इसलिए प्रिस्क्राइब किए क्योंकि सडन और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस और कीटोन लेवल का हाई होना किडनी की सीरियस बीमारी का द्योतक हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स का द्योतक हो सकता है, और यहां तक कि कैंसर का भी इंडिकेटर हो सकता है। ये जो सारी बीमारियां हैं, इनमें इलाज के लिए अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी डिटेक्शन होता है, उतना ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है। अरविंद केजरीवाल जी ने इन सारे चेकअप्स को करवाने के लिए मात्र 7 दिन का समय ईडी से मांगा, लेकिन आज राउस एवेन्यू कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 7 दिन की अरविंद केजरीवाल जी की मेडिकल चेकअप्स करवाने के लिए अंतरिम जमानत का जबरदस्त विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ईडी के वकील कोर्ट में पहुंचे और वो लड़ते रहे कि हम अरविंद केजरीवाल को 7 दिन की जमानत नहीं देंगे कि वो अपना कार्डियक चेकअप करवा लें, कि वो अपना किडनी चेकअप करवा लें, कि वो कैंसर के चेकअप करवा लें। मैं भारतीय जनता पार्टी से, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहती हूं, आप क्यों अरविंद केजरीवाल जी के मेडिकल चेकअप्स का विरोध कर रहे हैं? ये क्या षड्यंत्र है, ये क्या साजिश है कि आप डॉक्टर द्वारा दिए गए अरविंद केजरीवाल जी के इन गंभीर मेडिकल टेस्ट को नहीं होने दे रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह भी पूछना चाहती हूं कि आपने अरविंद केजरीवाल जी की ईडी कस्टडी में और जुडिशियल कस्टडी में ऐसा क्या किया कि इस तरह से सडन और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस अरविंद केजरीवाल को हो गया है? आपने उनकी कस्टडी में ऐसा क्या किया कि 56 साल की जिंदगी में उनका कभी कीटोन लेवल नहीं बढ़ा, लेकिन आपकी 51 दिन की कस्टडी के बाद उनका कीटोन लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया? हम सब ये जानते हैं कि तानाशाही सरकारें अक्सर अपने विरोधियों को जेल में डालते हैं और जेल में उनको अलग अलग तरीके से उनके स्वास्थ्य को खराब करने की कोशिश करते हैं और उनको जान से मारने की कोशिश करते हैं। हमने देखा है
कि किस तरह से रशिया में वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया और उनमें से तो कईयों की जेल में मौत भी हो गई। फिर पुतिन जी अकेले चुनाव लड़ते हैं और वही चुनाव जीतते हैं। आज ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कुछ ऐसा ही करना चाह रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल जी की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, आज ऐसा लग रहा है। जब डॉक्टर ने कहा है कि ये सारे टेस्ट करवाना, ये सारी जांच करवाना जरूरी है, जब डॉक्टर कैंसर के चेकअप के लिए पेट स्कैन करवाना चाह रहा, जब डॉक्टर्स किडनी की बीमारियों के टेस्ट करवाना चाह रहे हैं, जब डॉक्टर हार्ट की सीरियस चेकअप्स करवाना चाह रहे हैं, तो क्यों ईडी इसका विरोध कर रही है? क्यों भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है? आप याद रखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की वही इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है जिसने बैक पेन के नाम पर शरद रेड्डी को परमानेंट बेल दे दी। ये वही इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है जिसने बैक पेन के नाम पर राधा मगुंटा रेड्डी को परमानेंट बेल दे दी। आपके और हमारे ऑफिस में आधे दिन की छुट्टी नहीं मिलती है बैक पेन की वजह से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान देने के बाद राघव मगुंटा और शरद रेड्डी को बेल दे दी। वो बेल मांगने गए, उन्होंने कहा हमारी पीठ में दर्द हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की ईडी ने क्या कहा? उन्होंने कहा हां जी, बहुत बहुत गंभीर बात है, इनकी पीठ में दर्द हो रहा है, इसलिए हमें इनको मेडिकल बेल देनी पड़ेगी। 5 दिन की नहीं, 7 दिन की नहीं, 2 हफ्ते की नहीं, हम तो इनको परमानेंट बेल दे रहे हैं, हम इनकी बेल का विरोध नहीं कर रहे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल हार्ट के चेकअप के लिए, किडनी के चेकअप के लिए, कैंसर डिटेक्शन के टेस्ट के लिए मात्र 7 दिन की अंतरिम जमानत मांगते हैं, तो ईडी के वकील, भारतीय जनता पार्टी के वकील, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वकील कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल को तो 7 दिन की भी मोहलत मेडिकल टेस्ट के लिए नहीं दी जा सकती। आज मैं देश की जनता से अपील करना चाहती हूं, और खास करके जो आखिरी फेज में जिन जिन सीटों पर चुनाव होने वाला है 2 दिन के अंदर, कि अरविंद केजरीवाल जी की जान, अरविंद केजरीवाल जी की जिंदगी, अरविंद केजरीवाल जी की सेहत अब आपके हाथ में है। अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया, ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी जेल जाएंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल को जेल में जान से मार भी सकते हैं। उनके स्वास्थ्य के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनकी सेहत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि देश भर के लोग, और खासकर वो लोग जो 2 दिन में वोट डालने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दें, अरविंद केजरीवाल जी की जान बचाने के लिए वोट दें, अरविंद केजरीवाल के अच्छे स्वास्थ्य के लिए वोट दें, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल जी की जान आप लोगों के हाथ में है।